हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट, जिसका नाम है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी तक मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी है और सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक अपने ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। उसमें आपका आता है फर्स्ट पंचायती राज। पंचायती राज देखो क्या होता है। पंचायती राज देखो, पहले आपको ऐसे ही समझ में आता है कि पंचायत, आप लोग जानते हैं कि विलेज लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो पंचायती राज एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो आपका विलेज लेवल पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे परेशानी होती है विलेज के लोगों को, गांव के लोगों को, ठीक है, तो उनकी परेशानियों को दूर किया जाता है उस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो अब देखिए, ऐसा तो होता नहीं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कई सारे आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ब्लॉक आते हैं, विलेज आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अकेले तो मुमकिन तो है नहीं है कि हर जगह जाके वो लोग ये समस्या को देख सकें। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, उन्हें ही जैसे ये पंचायती राज है, ये लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, जो मतलब वहाँ पे रह के लोगों की जो कमियाँ हैं उनको दूर कर सकें, उस विलेज के जो चीज़ें हमें सही करनी है वो चीज़ों का निर्माण वो कर सकें। ठीक है, तो ये आपका आता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या है पंचायत। पहला आपका आता है पॉइंट पंचायत। पंचायत क्या होता है? पंचायत इज़ द नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। मतलब एक लोकल गवर्नमेंट बना दी जाती है विलेज लेवल पे। ठीक है, जहाँ पे वो लोगों को वहाँ की परेशानियों को दूर कर सके। कोई भी परेशानी हो सकती है किसी भी प्रकार की। ठीक है, वाटर रोड कंस्ट्रक्शन का, वाटर का, वाटर प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, ठीक है, लोगों की वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, जो ये सब चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को वहाँ पे देखने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है जो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन। हाँ, देखिए पंचायत में क्या होता है, जब पंचायत बनाई जाती है तो उसमें कितने लोगों की संख्या होती है? 5 लोगों का ये समूह होता है जो ये आपका पूरा विलेज को देखते हैं। ठीक है, अब वो 5 लोग कौन होते हैं? जो वोटर्स द्वारा, मतलब जो मतदाताएं होते हैं, जो वो लोग वोट दिए होते हैं, उनके द्वारा जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, वही होते हैं ये 5 लोग। ठीक, उन्हीं का ये समूह होता है। अगर ये 5 लोग कोई भी, जैसे हमें कोई भी काम करना होता है तो ये 5 लोगों की मंजूरी होना ज़रूरी होती है। ठीक है, इन 5 लोगों की मंजूरी से वहाँ पे उस विलेज पे जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ पे निर्माण हो सकेगा। ठीक है, तो ये 5 लोगों का समूह होता है पंचायत। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, पंचायत सिस्टम कवर्स द विलेज लेवल, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ विलेजेज, इसे ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं। तो पंचायत सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं आपकी। आपका हो गया विलेज लेवल पे देखा जाता है, विलेज लेवल पे आप लोग जानते हैं, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है विलेजों का समूह। विलेजों का समूह मतलब ब्लॉक बना दिए जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे भी होता है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। 3 लेवल होते हैं आपके पंचायत सिस्टम के अंदर। तो आपको मैंने बता दिया है कि पंचायत क्या होता है। ठीक है, तो पंचायत क्या होता है? आपका 5 लोगों का समूह होता है और ये आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होती है। ठीक है, जो विलेज लेवल पे लोगों को देखती है कि उनकी क्या क्या समस्याएं, उनको दूर करें। मैंने आपको बता दिया कि पंचायत क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है। मतलब आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर टास्क विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथिंग सोशल जस्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम।
देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो आपका ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है इसको क्या काम दिया जाता है उस लेवल पे जहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराता है, मतलब जैसे आप ये विलेज लेवल पे होता है तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएगा, अर्थव्यवस्था को वहाँ पर डेवलपमेंट कराएगा, इम्प्रूव करेगा, जिससे वहाँ पर लोगों की कंडीशन और अच्छी हो सके, ठीक है, इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ में आ सके, उनकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना इसका मेन टास्क होता है। स्ट्रेंथिंग सोशल जस्टिस, हाँ सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना, उसको ताकत देना, जैसे सामाजिक न्याय बोलते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो उसने वो सजा किया नहीं है लेकिन उसको सजा दी जा रही है तो उसको जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना वहाँ पे, ये टास्क भी ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्कीम जैसे पारित की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन स्कीमों को यहाँ पे विलेज लेवल पे बताना या उसको अप्लाई करवाना, ठीक है, उसके बारे में एक एक इंस्ट्रक्शन देना अच्छे से कि क्या इस स्कीम का क्या मोटो है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या अच्छा होएगा, इन सब चीज़ों को बताना, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ये मेन टास्क होता है। इसको ये सौंपा गया है, ये यहाँ पर ये चीज़ें लागू करवाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा देश का संविधान है, उसके पार्ट 9 में, मतलब उस सेक्शन में, आपके पार्ट 9 सेक्शन में आपको पंचायत के बारे में बताया गया है, तो आप लोग ये भी पॉइंट वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब कितने लेवल आपके होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, तो आपके 3 लेवल होते हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं, देयर आर 3 लेवल, ठीक है। कौन कौन से, पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, जिले में देखा जाता है। ब्लॉक लेवल पंचायत, जो आपका ये ब्लॉक लेवल पे ही देखा जाएगा। थर्ड होता है आपका लास्ट वन, विलेज लेवल पंचायत, ये आपका विलेज पे देखा जाता है, मतलब जहाँ पे जिस लेवल पे भी हैं आप लोग, तो वहाँ की कंडीशनों को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है, सुधारा जाता है, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये आपका आता है पहला टॉपिक में, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है एंड पंचायत क्या होता है, ठीक, ये आपका पंचायती राज में पहला टॉपिक आता है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।